हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल कंप्लीट रिवीजन एक्सरसाइज 3. सी इन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 46. इट इज ए होमवर्क टू यू, यू हैव टू कंप्लीट इट. इट्स ओके. चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बताए दे रहा हूँ. ए वाला आपका दिया है, ए वाला लिखा है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी उचित विकल्प आप चुन करके इसमें भरिए. ए वाले में लीजिए, मतलब फर्स्ट वाले का. ए वेटर इज समवन स्पेस है सर्व्स यू इन ए रेस्टोरेंट. इसमें क्या सही बैठेगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन में से इसमें से बैठेगा आपका ओ. हो जाएगा आपका ए वेटर इज समवन हु सर्व्स यू इन ए रेस्टोरेंट. ठीक है. नेक्स्ट लिए ए पेसिमिस्ट इज ए पर्सन स्पेस है ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट. ए बी सी डी, देखिए इसमें से सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है, इसमें से भी ए वाला ही बैठेगा. हो जाएगा आपका ए पेसिमिस्ट इज ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट. ठीक है. एक और ले लीजिए. एनाल्गेस्टिक्स आर मेडिसिंस स्पेस है हेल्प रिड्यूस पेन. अब ए बी सी डी चार जो ऑप्शन है, हु दैट हुज विच, इसमें से कौन सा सही बैठेगा, इसमें से आपका सही बैठेगा दैट वाला. ठीक है, कौन सा बैठेगा दैट वाला रहेगा. एनाल्गेस्टिक्स आर मेडिसिंस दैट हेल्प रिड्यूस पेन. ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कीजिएगा. अब चलिए डी वाला. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है. अब इसमें जो है आप कंप्लीट करेंगे. एग्जांपल के लिए ले लीजिए. ही वॉज वियरिंग ए स्पेस है ना ब्लू जींस और ब्रैकेट में आपका दिया है हेट. तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स. आपको एडजेक्टिव की सही फॉर्म भरनी है. तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका फेडेड. अब आप भरेंगे He was wearing a faded blue jeans. ठीक है. Next चलिए. The space है ना. Train is the main attraction in Darjeeling. ठीक ना. तो bracket में भी आपका adjective whistle. आप इसमें भरेंगे The whistling train. इसमें whistling कर देंगे आप. अच्छा. The whistling train is the main attraction in Darjeeling. और नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला. द स्पेस है प्रोफेसर अगेन फॉरगॉट हिज लेक्चर एज सून एज ही एंटर्ड द क्लास. आपके एडजेक्टिव है फॉरगेट. तो इसमें आपका क्या भरा जाएगा, द फॉरगेटिंग प्रोफेसर. यहां भरेंगे आप फॉरगॉट का. द फॉरगेटिंग प्रोफेसर अगेन फॉरगॉट. The forgetting professor again forgot his lecture as soon as he entered the class. ठीक है, एक और देख लीजिए. He even space है ना the water that was served in dirty glass. और आपको दिया है drink. इसको क्या कर देंगे हम, He even drank the water that was served in dirty glass. ठीक है. इस तरह से आप इस दसों को कंप्लीट कीजिएगा और सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट डे भेजेंगे. चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट में. टिक द करेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. आपको टिक करना क्या बल्कि लिख लेना है. ठीक है. प्लीज आप ब्रैकेट में जो है दो दिया है क्रैक और क्रम्बल द चीज इन ए बाउल. तो इसमें कौन सा सही रहेगा, इसमें क्रम्बल सही रहेगा. समझ ना. नेक्स्ट है आपका अली ब्रैकेट में स्नैप्ड ऑब्लिक कट हिज फिंगर ऑन ए पीस ऑफ ग्लास. इसमें कौन सा सही बैठेगा, आपका कट सही बैठेगा. अली कट हिज फिंगर ऑन ए पीस ऑफ ग्लास. ठीक है. थर्ड वाला भी देख लीजिए. द जग फेल टू द फ्लोर एंड ब्रैकेट में दिया बर्स्ट ब्रोक. तो इसमें कौन सा सही बैठेगा, इसमें बैठेगा ब्रोक. ठीक है. और चौथा भी देख लीजिए आप, एक और ले लीजिए. द आइस स्टार्टेड टू ब्रैकेट में दिया बर्स्ट क्रैक और बाहर दिया इन द मॉर्निंग. तो आपका इसमें सही बैठेगा द
द आइस स्टार्टेड टू क्रैक इन द मॉर्निंग। इस तरह से क्या इन द सो सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आप डी वाले में चलिए। डी वाला दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाई फिलिंग इन सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाई फिलिंग इन सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। आपको वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। तो चलिए कैसे करेंगे आप, एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, स्पेस है ना, गो दिया है, तो यहां आप भरेंगे, पढ़ लीजिए पता, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल स्पेस है टू सेलिब्रेट इट्स सिल्वर जुबली दिस ईयर, तो यहां भर देंगे आप वाज गोइंग, क्या भरेंगे आप वाज गोइंग, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल वाज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स सिल्वर जुबली दिस ईयर। नेक्स्ट आपका द स्कूल अथॉरिटीज, द स्कूल अथॉरिटीज स्पेस है ना, और आपको वर्ब दिया है डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ फंक्शन विच स्पेस है, उसके बाद लास्ट फॉर 5 days, इसमें आप क्या भरेंगे, इसमें आप भरेंगे द स्कूल अथॉरिटीज डिसाइडेड, यहां भर देंगे आप डिसाइडेड, है ना, टू ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ फंक्शंस विच, यहां भरेंगे आप वुड लास्ट, क्या भरेंगे आप विच वुड लास्ट फॉर 5 days, यानी जो 5 दिनों तक समाप्त हो, इस तरह से भरेंगे आप, ठीक है। एक और पढ़ लीजिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्पेस है ना, हेल्ड है ऑन द फर्स्ट डे, इसमें भरेंगे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वेयर हेल्ड, यहां भरेंगे आप वेयर हेल्ड ऑन द फर्स्ट डे एंड द विनर्स, इसके बाद आप भरते चलिएगा, जो नहीं होगा हम आपको सलूशन कल भेजेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस तरह से पैराग्राफ को पूरी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ई वाला देखिए, ई वाला दे रहा है, कह रहा है कि राइट वेदर दीज सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस कमांड्स रिक्वेस्ट और एक्सप्लेनेशंस, यानी ये सेंटेंस जो आपके आगे दिए गए हैं वो किस टाइप के सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कथन है, क्वेश्चंस हैं, कमांड्स हैं, या रिक्वेस्ट निवेदन है, या एक्सप्लेनेशंस है, आपको इसके आगे लिखना है। तो देख ली बेटा, माय ब्रदर इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, ये आपका स्टेटमेंट है। दिस हॉट सोप इज गुड टू टेस्ट, स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट आपका हर सैलरी हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली, ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑल माय फ्रेंड्स लिव इन चेन्नई, ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखें, टू ब्राउन माइस स्कैम्पर्ड इनटू देयर होल, ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलिए आप व्हाट इज योर नेम, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट मार्टिन फेल्ड हिज डाइविंग टेस्ट, ये भी आपका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू स्टैंड इन ए क्यू, ये क्या है, कमांड है, आदेश दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज पास मी सम साल्ट, ये क्या है, रिक्वेस्ट है ये। वो वी हैव वन द मैच, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और सोल्यूशन आपको नेक्स्ट डे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इट्स ओके, थैंक्स।